अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रेहान। आप देख रहे हैं रेहान कुकिंग। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायके में। आज फिर हाजिर हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। आज बनाएंगे गुलाब जामुन, और वो भी एक बहुत ही आसान से तरीके के साथ। आप इन्हें घर में ज़रूर ट्राई करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चले शुरू करते हैं। एक प्याली मिल्क पाउडर सूखा दूध लिया है, और आधी प्याली मैदा लिया है, और उसके साथ 2 से 3 चम्मच घी के 7 से 8 सब्ज़ी इलायची, और भूनने के लिए दूध लिया है, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1 लेमन चाहिए होगा, और 1 प्याली शक्कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गुलाब जामुन की डो बनाने के लिए एक बर्तन लिया है, उसमें ऐड करेंगे मिल्क पाउडर, और उसके साथ ही ऐड कर देंगे मैदा, बेकिंग पाउडर वो भी ऐड कर दिया है, 4 से 5 इलायची के दाने निकाल के वो भी ऐड कर दिए हैं, और 2 चम्मच घी वो भी ऐड कर देंगे। सब चीज़ें ऐड करने के बाद इसे हाथ की मदद से अच्छी तरह एक बार मिक्स कर लेंगे, ताकि मैदा, बेकिंग पाउडर और सूखा दूध अच्छी तरह मिक्स हो जाए आपस में। नाज़रीन, अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। अब इसे गूंदने के लिए ऐड करेंगे दूध। दूध डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स करके इसको गूंद लेंगे, और माशाल्लाह से काफ़ी हद तक गूंद चुका है। और इसे अब 10 मिनट के लिए हम कवर कर देंगे। किसी भी चीज़ से आप से इसे ढक के रख दें 10 मिनट तक के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब चाशनी बनाने के लिए एक बर्तन लिया है, उसमें ऐड करेंगे 1 प्याली शक्कर की, और 2 प्याली पानी की वो ऐड किया है इसमें, और 4 से 5 सब्ज़ी इलायची वो ऐड कर देंगे, और इसे बॉयल आने तक चम्मच की मदद से अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और माशाल्लाह से 10 मिनट तक हमने इसे अच्छी तरह बॉयल किया है। अब चाशनी इस तरह चेक करें, अगर हाथ चिपकते हैं तो ये चाशनी बिल्कुल तैयार है। इसे बंद कर देंगे चूल्हे को, और अब इसमें ऐड किया है 1/2 लेमन। लेमन ऐड करके इसको मिक्स कर देंगे, और अब चलते हैं डो की तरफ। माशाल्लाह से डो बहुत अच्छी तैयार हो चुकी है। अब इस डो के गुलाब जामुन के छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे इस तरह से। ये अपने साइज़ से डबल हो जाते हैं फ्राई होके, और माशाल्लाह से हमारे तमाम गुलाब जामुन के बॉल्स तैयार हैं। और फ्राई करने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैन का। आप ऑयल चेक कर लें, बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको फ्राई करना है। इस तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ऑयल कितना गर्म है, कि गुलाब जामुन डालने के बाद अभी तक फ्राई होने नहीं स्टार्ट हुए ये। ऑयल अगर गर्म हो तो ये बिल्कुल जल जाते हैं, बिल्कुल नहीं फूलते। और इस तरह से मीडियम फ्लेम पे बिल्कुल इसे हम फ्राई कर रहे हैं, और माशाल्लाह से गुलाब जामुन बहुत अच्छी तरह फूल भी चुके हैं, और माशाल्लाह से बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं। अब इन्हें किसी भी जाली वगैरह में निकाल लेंगे, ताकि ऑयल अच्छी तरह खुश्क हो जाए। और गुलाब जामुन को निकालने के बाद 5 मिनट तक हमने ठंडा किया है। आप चाशनी भी देखें, नीम गर्म होनी चाहिए चाशनी, और नीम गर्म ही गुलाब जामुन होने चाहिए। इस तरह गुलाब जामुन हमने ऐड कर दिए चाशनी में, और इसे 15 से 20 मिनट तक इसमें छोड़ देंगे। और फाइनली माशाल्लाह से हमारे गुलाब जामुन जो है बहुत ही ज़बरदस्त से तैयार हो चुके हैं। आप इन्हें घर में ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही आसान सी रेसिपी है।